Assalamualaikum. Welcome to my Hina's kitchen. So guys, this is my first vlog and I hope do you well. So guys, हम वक्त ज़ाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं. गाइस, सबसे पहले गैस जला लेना है, फिर एक भगोना रखेंगे धीमी फ्लेम पे. मैंने एक लीटर दूध लिया है. दूध को एक उबाल आने तक गर्म करेंगे. दूध में उबाल आ चुका है. मैंने लिया है एक टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर. दो से तीन टेबलस्पून दूध डालकर साइड में रख लेंगे. दूध को बीच बीच में चला लेना है ताकि दूध जले ना. एक कटोरी में थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे. उसमें 10 से 12 केसर की तिनके डाल और कुछ टाइम के लिए साइड में रख लेंगे. मैंने लिया है एक बाउल सेवैया. उसको दूध में डालकर मिला लेना है. आपको अभी लग रहा होगा कि सेवैया बहुत कम है, लेकिन जब पकेगी तब आपको थिकनेस पता चलेगी. चीनी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. मैंने ली है 10 टेबलस्पून चीनी. उसको अच्छे से मिला लेते हैं. 5 से 6 काजू की कतरन डालेंगे, 5 से 6 बादाम की कतरन, 4 से 5 पिस्ता की कतरन और कुछ गार्निश के लिए बचा के रखेंगे. शीर में चांद चांद लगाने वाली चीज वो है इलायची. सो मैंने 4-5 इलायची को कूट कर डाल दिया है. 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे. उसको मिक्स कर लेते हैं. गैस को मीडियम आंच पे ही रखना है. शीर को 1-2 उबाल आने के बाद साइड में उतार लेना है. फिर एक पैन रखेंगे. 1 टेबलस्पून घी धीमी आंच पे गरम कर लेते हैं. वन टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून चिरौंजी, 1 टेबलस्पून खसखस, 1 टेबलस्पून किशमिश. सभी ड्राई फ्रूट को भून लेते हैं और हमारे शीर का तड़का रेडी है. सो शीर में डाल लेते हैं और रेडी टू शीर. एंजॉय. ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.